क्योंकि राजधानी रायपुर में भी एससीएसटी के बंद का असर देखने को मिल रहा है। भीम समाज ने रामनगर में रैली निकालकर बंद का समर्थन किया। दुकानें बंद कराने को लेकर कई स्थानों पर विरोध भी किया गया। दलित संगठन दुकानें बंद कराने के लिए टोलियों में निकले हैं। इस बंद को कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने समर्थन दिया है, जबकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का विरोध किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से स्वर संवाददाता रजनी ठाकुर लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ और ज्यादा जानकारी लेंगे। रजनी, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या ताजा हालात हैं? क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में विरोध स्वरूप हम ये विरोध की तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ताजा हालात अभी हमें इस वक्त वहाँ पे रायपुर के देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल बड़ी संख्या। तो रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में भीम समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और जो लगातार बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी एससीएसटी के बंद का असर अब देखने को मिल रहा है। भीम समाज ने रामनगर में रैली निकालकर बंद का समर्थन किया है। दुकानें बंद कराने को लेकर कई स्थानों पर विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। दलित संगठन दुकानें बंद कराने पर अड़े हुए हैं और इस बंद को कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने समर्थन दिया है, जबकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का विरोध किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विरोध स्वरूप जो समाज के लोग हैं वो रामनगर में रैली निकालकर बंद कराने के लिए निकले हैं और इस बंद को कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने समर्थन दिया है। इस तरह की विरोध की तस्वीरें हमने ना केवल आपको हम रायपुर से दिखा रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश से भी हमने आपको, मध्य प्रदेश के कई अलग अलग शहरों से हमने आपको इस तरह की तस्वीरें भी दिखाई। हमारे साथ रजनी ठाकुर जुड़ी हुई है। रजनी, इस पूरे बंद को बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। बिल्कुल राइट, यहाँ पे दो राजनीतिक पार्टियां जो है छत्तीसगढ़ की, दो अहम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और जनता कांग्रेस, दोनों ने ही इस बंद को समर्थन दिया है। और आज सुबह से ही जो भीम सेना है बड़ी संख्या में उनकी रैली निकल रही है और इसको देखते हुए कलेक्टर ने 9 दंडाधिकारी भी नियुक्त किए हैं शहर के अलग अलग जगहों पर। इस वक्त अम्बेडकर चौक में बड़ी संख्या में भीम सेना के सभी लोग मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किया है प्रिवेंशन ऑफ एक्सटर्शन जो एक्ट है उसमें जो बदलाव किया गया है उसको लेकर ये पूरा विरोध है। पूरे देश में बंद का आह्वान किया है और इसी के तहत राजधानी में भी ये बंद यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सुबह से ही अलग अलग जगहों पे जाकर दुकानें बंद कराई जा रही हैं, पेट्रोल पंप बंद है और कहा जा सकता है कि असर जो है वो जरूर दिख रहा है, क्योंकि रवि भवन जैसी जगह जो कि काफी चहल पहल वाली जगह है, जयस्तम घड़ी चौक, ये सभी जगह बहुत ही चहल पहल वाली जगह है और यहाँ दुकानें सुबह से ही खुल जाती हैं। लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस बल की जो संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है, ना काफी लग रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने जितनी भी तस्वीरें दिखाई और खबर को प्रमुखता से दिखाया, हर जगह जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है। मीडिया कर्मियों पर भी मतलब उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है और जमकर तोड़फोड़ की है। ग्वालियर में धारा 144 भी लग गई है। क्या इस तरह की स्थिति प्रदेश की राजधानी रायपुर में ना देखने को मिले, इसको लेके कितने इंतजाम किए गए? जी रश्मि, देखिए पुलिस की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस यहाँ पे मौजूद भी है, बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन जो रैली निकाली जा रही है वो शांतिपूर्ण रैली है, नारे लगाते हुए रैली निकाली जा रही है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति जो है वो यहाँ पे नहीं बनी है, इसीलिए पुलिस को भी बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं यहाँ पे महसूस हुई है। लेकिन पुलिस भी अपनी जगह पे तैनात की गई है, दंडाधिकारी भी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे तैनात किए गए हैं। लोग शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके हाथों में बैनर है, पोस्टर है और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। अच्छा रजनी, इस पूरे प्रदर्शन से चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका पूरा विरोध किया हुआ है?
जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र बरलोटा, उन्होंने पिछले दिनों बताया कि जो 2 अप्रैल को वहां बंद का आयोजन किया जा रहा है उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं दे रही है। तो हालांकि दुकानें बंद यहां पे जरूर कराई जा रही हैं, जो भीम सेना के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके दुकानें नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेंगे रोशनी, जानकारी के लिए बहरहाल शुक्रिया। तो चलिए।